राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर देश भर में विख्यात है। देश के हर हिस्से से लोग श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर के सौंदर्यीकरण का ऐलान राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब खाटू की बारी। खाटू धाम का होगा विकास। अयोध्या काशी की तर्ज पर सजेगा धाम। राजस्थान सरकार ने बजट का किया ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे भव्य और विशाल मंदिरों के बाद अब शाम दीवानों के लिए भी राजस्थान सरकार ने खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रदेश के बजट में अयोध्या और काशी की तर्ज पर खाटू श्याम को भव्य बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया जा चुका है। हाल ही में राजस्थान की भजन लाल सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कई बड़े और अहम ऐलान किए हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की गई है। इस धार्मिक प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि का प्रावधान रखा है। ऐसे होगा खाटू धाम का विकास। नई पर्यटन नीति का होगा गठन। पर्यटन उद्योग विकास बोर्ड का गठन। राजस्थान मंडपम का होगा निर्माण। खाटू श्याम धाम के विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बजट के साथ साथ रूपरेखा भी बना ली गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए बताया कि राजस्थान में नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन उद्योग विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण करवाया जाएगा। आइए आपको राजस्थान के खाटू श्याम धाम के बारे में बताते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर स्थित है। ये मंदिर भारत में श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा मशहूर है। खाटू श्याम जी कलयुग के सबसे लोकप्रिय भगवान माने जाते हैं। ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में बना हुआ है। कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है और खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में हर रोज बाबा श्याम की शरण में मथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार के इस बड़े ऐलान से भक्तों को काफी हद तक सहूलियत होगी, तो वहीं इससे प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। खाटू श्याम भगवान का मंदिर पहले से कहीं ज्यादा सुंदर, भव्य और विशाल बनाया जाएगा, जिसे लेकर भक्तों के उत्साह और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।